उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी है। वैसे लोग जो सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, या उस प्रकार की गतिविधियां जो हमेशा समाज को तोड़कर सत्ता में आना चाहती है, आज़ादी के इतने वर्षों तक अगर इन 7 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें और बीच के कुछ कालखंडों को जिस समय गैर कांग्रेसी सरकार रही है उसको अगर छोड़ दें, तो लगातार देश का विकास भी और उधर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ वन एशियन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंच चुके हैं और पटना आने के साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आएगी। इतना ही नहीं, नित्यानंद राय ने ये भी कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और कोई भी गड़बड़ी ना हो इसको लेकर मुस्तैदी से केंद्र सरकार ने कई तरह की जो तैयारी है वो भी की है। लेकिन सबके बीच खास बात तो ये है कि जिस तरह से यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं इसको लेकर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये साफ कर दिया है कि जनता को अब विकास पसंद है और यही वजह है कि एक बार फिर से 2022 में यूपी बीजेपी की सरकार आने जा रही है। क्या कुछ कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है और साथ ही साथ किस तरह से वो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। इसी प्रकार के उपद्रव कर रहा है और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती है, अमर्यादित है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। विकास की लहर वहाँ चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है और जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास, सम्मान के साथ न्याय के साथ विकास और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ता हुआ भारत के प्रति लोगों का जो विश्वास जगा है, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी है। वैसे लोग जो सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, या उस प्रकार की गतिविधियां जो हमेशा समाज को तोड़कर सत्ता में आना चाहती है, आज़ादी के इतने वर्षों तक अगर इन 7 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें और बीच के कुछ कालखंडों को जिस समय गैर कांग्रेसी सरकार रही है उसको अगर छोड़ दें, तो लगातार देश का विकास भी और उधर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं रहती थी, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन आज हर प्रकार के अपने संकल्प और कर्मठता और एक कर्मयोगी की तरह काम करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस ओर लेकर चले हैं कि आज दुनिया मानिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ही नहीं, एक नई दुनिया की नई व्यवस्था खड़ी हो रही है जिसमें शांति, बंधुत्व और विकास प्रमुखता से है। आतंकवाद का कहीं कोई प्रश्रय न मिले, आतंकवाद खराब हो और शांति के साथ विकास की गति आगे की ओर बढ़ती है। मुकेश सहनी और मांझी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? और निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की प्रतिबद्धता है और जिस नापाक इरादों से विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से भारत को अशांत करने की कोशिश लोग कर रहे हैं और जो पहले उनको कामयाबी मिलती थी अब कामयाबी नहीं मिलती है और आतंकवादी भी समझ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने वाले भी समझ रहे हैं कि अब भारत आतंकवाद के सफाया के की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सफलता मिल रही है। यूपी में जो आज के दर्जे का सवाल इन दिनों काफ़ी उठ रहा है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि विशेष नजर देना चाहिए, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिहार से आप ही बिहार से। नित्यानंद जी, यूपी में जो घटना हुई है,